हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्लांट जो कि मुझे गिफ्ट में मिले हैं। ये मुझे wildroots.in से मिले हैं, जहाँ मैंने पहले एक ऑर्डर किया था, प्लांट आपके साथ रिव्यू किए थे, उसमें बताया था कि उन्होंने प्लांट मुझे कैसे भेजे हैं, किस कंडीशन में मुझे वो प्लांट मिले थे, वो आपके साथ शेयर की थी। और उसके साथ एक कोड भी शेयर किया था जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता था। तो अगर आपने वो अप्लाई नहीं किया है या अब करना चाहे तो अभी भी उसको कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप जरूर चेक कीजिएगा। ये मैं आपको पास से दिखाऊंगी और इनके प्राइस भी बताऊंगी। और आपके साथ जो प्लांट इन्होंने मुझे पहले भेजे थे, जिनका मैंने रिव्यू किया था, उनकी कंडीशन अब कैसी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने शेयर किया था, यानी कि वो प्लांट मैंने देखे थे और जैसे मुझे मिले थे वैसा रिव्यू आपके साथ किया था, ऑनेस्ट रिव्यू था। अगर आपको उस वेबसाइट से आपने ऑर्डर किया था, आपको ऑर्डर मिला है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मैं गलत थी। उनका डिलीवरी सिस्टम वाकई बहुत अच्छा है। देखिए प्लांट हमारे पास आने के बाद क्या रिएक्ट करता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन प्लांट किस कंडीशन में हमारे पास पहुंचता है वो एक अलग मैटर होता है। यानी जब प्लांट की हेल्थ ही अच्छी मिलती है तो उसे ग्रोथ पकड़ने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि इनकी जो डिलीवरी है वो वाकई बहुत अच्छी है। वो आपको ये प्लांट जिस तरीके से देखिए आपने भेजे हुए हैं उन्होंने, उस तरीके से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए ये फ्लावर इस प्लांट पे है। एक बार मेरा हाथ लगा था इसके फ्लावर पर और फ्लावर इसका ये देखिए गिर गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने प्लांट को कितनी आराम से भेजा है। फूलों के साथ मुझे ये प्लांट मिला है, बहुत ही सेफ डिलीवरी है। अगर प्लांट खराब होता है तो ये खुद ही उसको रिप्लेस कर देते हैं या आपको डिलीवर ही नहीं करते हैं। फिर भी अगर आपको प्लांट डैमेज मिलता है तो साथ के साथ फोटो खींचिए, उनको भेजिए और बताइए कि अभी मुझे रिसीव हुआ है और कंडीशन ये है, तो ये रिप्लेस भी कर देते हैं, जो कि इनकी दूसरी सबसे अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए प्लांट को मैं पास से दिखाती हूँ। उनके प्राइस जो है आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट मुझे नहीं पता इनके प्राइस हाल फिलहाल क्या है। और इसका मुझे पता है ये कि ये मैंने अपनी कार्ट में डाला हुआ था, मुझे ये प्लांट खरीदना था, इसीलिए इसका प्राइस तो मुझे पता है। इनके प्राइस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अगर आप इसका कोड यूज करते हैं, यानी कि कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा और जो इनके ऊपर ऑलरेडी डिस्काउंट है वो भी आपको मिलेगा। तो चलिए पास से दिखाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये अरेका पाम, अरेका पाम हालांकि मेरे पास पहले से ही है और ये भी गिफ्ट मिला है। दोस्तों गिफ्ट जो भी हो अच्छा ही लगता है, चाहे आपके पास उसकी 3-4 वैरायटी ऑलरेडी क्यों ना हो। सेम पैकेजिंग है, ये देखिए लास्ट टाइम पैकेजिंग ऐसी ही थी, ठीक वैसी ही पैकेजिंग है। यहाँ पर थोड़ा एरिएशन के लिए जगह है, उन्होंने छोड़ी हुई थी, ये इस तरीके से पैक था। इसको मैंने खोल दिया क्योंकि कल मुझे मिले थे ये शाम के टाइम, ताकि मैं इनको आपके साथ ऐसे ही शेयर कर सकूं। तो ये इस तरीके से है और प्लांट पर ये टैग होता है नाम का और बेसिक केयर का, कि उसको कैसी लाइट चाहिए, कैसा क्या कुछ चाहिए, ये सब लिखा होता है उस पर बेसिक केयर को लेकर। और इसमें ये देखिए नई नई शूट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है और हेल्थ आपको दिख ही रही है। दोस्तों जब हम नर्सरी से लाते हैं प्लांट तो हमें इतना सा एक छोटा सा प्लांट मिलता है, 80 से 200 रुपए के बीच में ये मिलता है। जितनी ज्यादा ब्रांचेज होती हैं उस हिसाब से ही प्लांट मिलता है। तो इसका प्राइस दोस्तों 250 रुपए से थोड़ा ज्यादा है जहां तक मेरा आइडिया है, क्योंकि जब इनकी वेबसाइट को हम खोलते हैं तो सबसे पहला प्लांट यही आता है उसमें। और जहां तक मैंने देखा था, मुझे पूरा याद नहीं है, स्क्रीन पर आपको प्राइस एग्जैक्ट क्या है वो मैं दे दूंगी। तो ये देखिए इसकी हाइट काफी अच्छी है, करीबन 4 फुट की इसकी हाइट है, 4 से भी ज्यादा ही लगा लीजिए आप। और प्लास्टिक के सेम पॉट में लगा है तो और भी ज्यादा अच्छा है, रीपॉटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको प्लेस अच्छा दीजिए और इसको टाइम पर पानी दीजिए, प्लांट बढ़ता रहेगा। रेनी सीजन में इसको रीपॉट कर सकती हूँ तो ग्रोथ और भी अच्छी होगी। तो ये पहला प्लांट है, अब चलिए दूसरा प्लांट। दूसरा प्लांट दोस्तों ये चंपा प्लूमेरिया का प्लांट है और इसकी भी काफी अच्छी हेल्थ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर फ्लावर मिले हैं तो ये भी अच्छी बात है, पता लग जाता है कौन सा कलर आएगा प्लांट पे। और ये ड्रॉ वाली वैरायटी है जो गमले के लिए सबसे बेस्ट है।
ये वाली वैरायटी फ्लावरिंग अच्छी करती है अगर थोड़ा ध्यान रखा जाए तो, और गमले में आराम से चलेगी, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। और इसका प्राइस भी 250 के आसपास ही है, एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, तो प्लीज आप उसको देखिएगा। हेल्थ भी काफी अच्छी है, साइज भी ये देख सकते हैं आप काफी अच्छा है। तो ये दूसरा प्लांट, आप चलते हैं तीसरे प्लांट की ओर। तो दोस्तों तीसरा ये वाला प्लांट है जो कि है एलिफेंट ईयर, और इसके जो लीफ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बिग इसके लीफ है, काफी खूबसूरत ये प्लांट लगता है। शेड लविंग प्लांट है, इसको आउटडोर रखे लेकिन शेड में रखे काफी अच्छा ग्रो करता है, हार्डी प्लांट काउंट होता है। और ये मेरी विश लिस्ट में था, यानी मैंने इसको कार्ट में डाला हुआ था और मुझे ये गिफ्ट में मिल गया, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। हेल्थ काफी अच्छी है दोस्तों, तीन पत्तियां इसकी बड़ी बड़ी काफी अच्छी हेल्थ में है। साथ में अगर आप यहां से देखेंगे तो इसमें एक नई लीफ यहां से निकलेगी, तो चार पत्तियां जल्दी ही हो जाएंगी। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं ये काफी अच्छी तरीके से करते हैं, और मिट्टी इनकी काफी अच्छी होती है तो रिपॉटिंग की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती है। प्लास्टिक का पॉट भी है तो काफी अच्छे साइज में है जो कि, और ये भी काफी अच्छा हेल्थ में मुझे मिला है। इसका प्राइस मुझे 545 है, याद है क्योंकि मैंने इसको कार्ट में डाला हुआ था इसलिए, तो 545 है। जब हम इस पे 10% का अगर डालते हैं कूपन कोड तो उस हिसाब से 40 से 50 रुपए कम पड़ता है, यानी 500 रुपए के आसपास ये प्लांट आपको पड़ेगा अगर आप ऑर्डर करते हैं तो। तो ये एलिफेंट ईयर काफी अच्छी हेल्थ कंडीशन में मुझे मिला है जो कि पसंद आया मुझे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो वाले प्लांट जो लास्ट टाइम इन्होंने मुझे भेजे थे, उनकी कंडीशन क्या है, बहुत छोटे में दिखाऊंगी ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए वो भी तो लास्ट टाइम जो प्लांट मंगवाए थे उनमें से एक ये है फिलोडेंड्रोन सेलम, और ये काफी अच्छा ग्रो करता है, हार्डी प्लांट है। रिपॉट करने के बाद दो पत्तियां ये निकाल चुका है, एक पत्ती मैंने इसकी काट कर जो है वो लगा रखी है कि देखते हैं उसमें रूटिंग होती है या नहीं। तो हेल्थ आप देख सकते हैं काफी अच्छी ये ग्रो कर। तो दूसरा प्लांट ये है दोस्तों पोनीटेल पाम, और पोनीटेल पाम भी देख सकते हैं आप काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और उसी पॉट में लगा हुआ है, मैंने इसको अभी रिपॉट नहीं किया है। पत्तियां ये ऊपर से दो चार निकाल रहा है, और ये पत्तियां मैंने काट दी थी क्योंकि मेरा डॉग जो है वो इनको चबा लेता है, इसीलिए रिपॉटिंग इसकी मैं थोड़ा और लेट करूंगी। ग्रोथ आप देख सकते हैं काफी अच्छी ये कर रहा है, पत्तियां निकाल रहा है। तो दोस्तों ये है तीसरे वाला प्लांट जो कि है ऑर्नामेंटल ऑरेंज, और ग्रोथ आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, और ये छोटे छोटे थे जो अब बड़े हो गए हैं, और जितनी फ्लावरिंग हुई थी सारी ही फ्रूट में कन्वर्ट हुई है, लगभग सारे ही फ्लावर फ्रूट बने हैं, कोई बहुत ही कम होंगे जो गिरे होंगे। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसमें ग्रीन, हर टहनी पर हर ब्रांच पर छोटे छोटे इसमें नए फ्रूट जो हैं वो बन रहे हैं। ये पुराने वाले हैं जो उस टाइम छोटे थे, तो अब इनका कलर चेंज होने लगा है, ग्रीन से ऑरेंज होने लगा है, और इसमें थोड़ा सा लिक्विड खाद ही डाला है और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है, मिट्टी वही है, ना रिपॉट किया है, सेम गमले में ही लगा हुआ है जिस गमले में मुझे मिला था। खाद तो दोस्तों ऐसे ही डाली थी जो लिक्विड हमारे किचन वेस्ट से बनती है वही सिंपल, खास कोई खाद इसमें नहीं डाली। ग्रोथ आप देख सकते हैं काफी। दोस्तों लास्ट टाइम एक क्वेरी बहुत ज्यादा मिली थी, वो थी इसके डिलीवरी एरिया को लेकर कि कहाँ कहाँ डिलीवर करते हैं। लास्ट टाइम मैं वीडियो में ये चीज नहीं मेंशन कर पाई थी, मुझे नहीं ध्यान रहा था इस चीज का कि मुझे ये मेंशन करना चाहिए था, लेकिन मैंने अब पता किया है ये डिलीवर करते हैं दिल्ली एनसीआर से लेकर चंडीगढ़ का जितना ये रूट बनता है, यहाँ पर ये हरियाणा का भी काफी कवर कर लेते हैं, पानीपत सोनीपत और साथ में अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल, और इधर जब आते हैं डेराबस्सी वाला जो एरिया होता है चंडीगढ़ के आसपास का जो एरिया है वहां पर ये डिलीवर करते हैं। तो आप इस एरिया से हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ में ही इन्होंने जयपुर में भी शुरू किया है अपना डिलीवरी सिस्टम, यानी ये अब जयपुर में भी डिलीवरी करते हैं। इसके अलावा ये महाराष्ट्र पुणे में भी जल्द ही जल्द ये चीज शुरू करेंगे, जैसे ही शुरू करेंगे आपको पता लग जाएगा या आप पता करते रहिएगा इनके हेल्पलाइन नंबर से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। कौन सा प्लांट आपको पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तीनों पसंद आए लेकिन मुझे ये वाला प्लांट सबसे पसंद आया क्योंकि ये प्लांट मेरी विश लिस्ट में था, मुझे चाहिए था ये वाला प्लांट, इसीलिए ये मेरे पास पहले से ही है। और इसका मेरे पास एक कलर है लेकिन उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है, इसका देखते हैं कि इसमें फ्लावरिंग कैसी रहेगी। तो ये चीजें टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूंगी इनकी हेल्थ को लेकर भी।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।